गुड़गांव और मानेसर के बीच में है न्यू गुड़गांव, और ये उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जिनके लिए गुड़गांव पहुंच से बाहर है। क्यों चाणक्य जी? बिल्कुल, क्योंकि गुड़गांव में अब कीमतें आसमान छू रही हैं, वहीं यहाँ पे आपको अफोर्डेबल रेंज में लग्जरी लिविंग मिल रही है। खुला एनवायरनमेंट है यहाँ पे, साफ हवा है यहाँ पे, और कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो देखिए ये रिपोर्ट, और क्या आप भी यहाँ पे इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो देखिए। इतना सारा हमारा ग्रीनरी है जो आपको कहीं बीच गुड़गांव में या दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगा, सो हम यहाँ आके बहुत ही खुश हैं। मैं यहाँ 3 साल से रह रही हूँ, और क्यों रह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतनी हरियाली है, इतनी शांति है, हवा इतना साफ है, क्यों नहीं। राधिका और सौरभ राय खुश हैं कि उन्होंने रिहाइश के लिए न्यू गुड़गांव को चुना। यहाँ 3,000 से ज्यादा परिवार बस चुके हैं। न्यू गुड़गांव NH-8 की खिड़की धौला टोल प्लाजा के बाद शुरू होता है और गुड़गांव के मुख्य रोजगार केंद्रों से 18 किलोमीटर दूर है। इस इलाके में NCR के नामी बिल्डरों के बहुत से रिहायशी और व्यवसायिक प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। इनमें से कई बिल्डरों का मानना है कि ये जगह गुड़गांव से बेहतर है। न्यू गुड़गांव एरिया में आज की तारीख में अगर आप देखते हो तो जो ग्रुप हाउसिंग है, ज्यादातर तैयार ग्रुप हाउसिंग है, और आज की तारीख में लोग वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। उसके दो रीजंस हैं, एक तो वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, रोड्स, नेटवर्क, इलेक्ट्रिसिटी, सिक्योरिटी, वो सारी चीज़ें बहुत बेहतर हैं इस पार्ट ऑफ गुड़गांव से, और दूसरा ये है कि वहाँ पे जो ओवरऑल जो एक रिक्वायरमेंट है किसी भी इंडिविजुअल को रहने के लिए, जैसे उसको बैंक्स की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोविजन स्टोर्स या फिर वेजिटेबल स्टोर्स, वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं उसके लिए। लाइसेंस फोरस के आंकड़े ये बताते हैं कि न्यू गुड़गांव इलाके में 57 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें से 10 तैयार हैं। यहां औसत दाम 6,000 से 6,300 रुपए प्रति वर्ग फुट है। न्यू गुड़गांव की खासियत यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर और NCR के अन्य क्षेत्रों के साथ NH-8 के जरिए अच्छी कनेक्टिविटी है। नॉर्दर्न और सदर्न पेरिफेरल रोड बन जाने के बाद संपर्क और बेहतर हो जाएगा। उधर कुंडली पलवल मानेसर एक्सप्रेसवे से दूसरे शहरों के साथ भी कनेक्टिविटी बेहतर होगी, साथ ही 2018 के अंत तक मेट्रो भी आ सकती है। अगर कमी है तो सुविधाओं की। भरत राम ग्लोबल स्कूल, मैत्री किरण हाई स्कूल जैसे चंद स्कूल हैं और कुछ प्री स्कूल्स यहां पर मौजूद हैं, जबकि मॉल और स्वास्थ्य सेवाएं अभी बननी बाकी हैं। लेकिन इसके बावजूद रियल एस्टेट के विशेषज्ञ इलाके के भविष्य में काफी संभावनाएं देखते हैं। अफोर्डेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज गुड़गांव के अंदर जो ओल्ड गुड़गांव है उसकी अफोर्डेबिलिटी अब थोड़ी सी प्रीमियम साइड पे चली गई है, सो आपको अच्छी अफोर्डेबिलिटी मिल रही है। जितने लोग मानेसर में काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी जगह है, और अभी अफोर्डेबिलिटी से मिड सेगमेंट की तरफ आ रहा है, प्रीमियम की तरफ आ रहा है, सो न्यू गुड़गांव अगले 2-3 साल के अंदर एक अच्छी ग्रोथ कॉरिडोर की जगह बनेगी। प्रॉपर्टी पर नजर रखने वालों का मानना है कि नामी बिल्डरों और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के बल पर आने वाले सालों में न्यू गुड़गांव रिहायश के लिए बेहतरीन बाजार बनकर उभरेगा, जो गुड़गांव का एक सस्ता विकल्प भी होगा। चाणक्य भाटिया, NDTV। आपको रहने के लिए सस्ता मकान चाहिए या निवेश के लिए ऐसा मकान